नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर द्वारा कोरोना वायरस महामारी को लेकर लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी अभियान के तहत आज वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने वॉल पेंटिंग बनाई है तथा लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कोरोना के प्रति। दो वॉल पेंटिंग हमारे द्वारा बनाई गई है। देखिए, जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उचित दूरी और मतलब जो सरकार ने आपको गाइडलाइन दे रखी है कि आप इस चीज़ का पालन कीजिए, तो उन सभी का इस पोस्टर के माध्यम से और इस स्लोगन के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोगों को ये पता लग सके कि किस प्रकार से उन लोगों को आपसी दूरी बना के किस तरीके से कोरोना काल में अपनी रक्षा करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आजकल सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं, तो उनका पालन कीजिए। परंतु हम यही कहना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से भी। देखिए, नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर के उससे हमारा यह अभियान चलाया गया है, जिसमें हम जो अभी कोरोना हमारी महामारी अभी चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जिससे हम उससे बचाव के लिए सभी से लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, एवं जो बाहर से व्यक्ति आए हैं क्वारंटीन हैं जो, उनसे ना मिलें एवं उनके संपर्क में ना आएँ। इस उस उद्देश्य से हमारे यह अभियान चल रहा है। पेंटिंग का उद्देश्य क्या है? हमारी पेंटिंग का उद्देश्य यही है कि जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनके संपर्क में ना रहें एवं दूरी बना के उचित दूरी बनाने का प्रयास करें। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों के पास बनाए जाने की प्रक्रिया